गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपके सामने लेकर आया हूं। पहला लेक्चर देखिएगा और केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ पढ़िए, देखिए कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्टूडेंट, रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि क्या रिएक्ट कर गया। पहले हम लोग जो है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स अपने सोशल एटमॉस्फेयर के ऐसे देते हैं और आपसे खुद पूछते हैं कि आप उसमें कुछ चेंजेस देख रहे हैं, देख रहे हैं या देखते हैं। आप देखते हैं कि अगर गर्मी के समय में हम दूध कहीं पर जो है अगर खुला छोड़ दें, गर्मी के समय में दूध खुला छोड़ दें तो क्या होगा, दूध फट जाता है। लोहे को देखा है आपने, लोहे को, बिल्कुल आयरन देखा होगा आपने। लोहे को हम क्या करें कि बाहर एटमॉस्फेयर में अच्छे लोहे को, साफ सुथरे लोहे को अगर हम धूप में रख दें क्या होता है, एक दो दिन के बाद या एक दिन के बाद आप देखते हैं उसमें जंग लग गई। अब ये जंग लग गई यानी उसमें कुछ चेंजेस आया है, दूध उधर फट गया। आप अंगूर को एक जगह रख दीजिए, अंगूर को, ग्रेप्स को कहीं पर भी खुला छोड़ दीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए, दो दिन छोड़ दीजिए, देखेंगे आप वो पिचक जाएगा, मतलब उसको जो है दब जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आया। आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर रीजन क्या है कि हमारा जो है दूध फट जा रहा है और हमारा जो है वो लोहा जो है लोहे में जंग खा जा रही है, अंगूर जो है सड़ जा रहा है, ये हो क्या रहा है। आखिर हम कोई चीज खाना खाते हैं तो एक जो है खाना जो है अगर हम लोग कुक्ड फूड करते हैं, खाते हैं उसको, जब हम लोग बॉडी में जब हम लोग लेते हैं तो वो पूरी डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस से वो कैसे जो है एक्सर्ट होता है, एक्सर्शन कैसे होता है, कैसे निकलता है, सब प्रोसेस देखिए, समझिए कि क्या चीज हो रही है। अब तुम सोचो, फूड का डाइजेशन होना, अंगूर का सड़ जाना, लोहे पे जंग लग जाना, दूध का फट जाना, ये सब क्या है आखिर स्टूडेंट, ये चीज क्या है। चेंजेस आ रहा है, मतलब जब भी ग्रेस जो है एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो जरूर वहां पर कोई फिजिकली और केमिकली रिएक्शंस हो रहे हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिससे कि वो सड़ जा रहा है। लोहे को जो बाहर रखा गया है उस वो भी एयर के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में आने से जरूर उसमें कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और उसमें जंग लग जा रही है। हम फूड खा रहे हैं, कोई भी कुक्ड फूड खा रहे हैं तो अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रही है और उसके बाद वो डाइजेस्ट हो रहा है। दूध जो है एयर के कांटेक्ट में है उसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन हुई, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है जिसके कारण दूध फट जा रहा है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं अब आपको ये बता रहे होंगे कि हमारे आसपास के लाइफ, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में दिन रात रिएक्शंस हो रही है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, कई लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में समझ नहीं पाते, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का मतलब क्या है। फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे फिजिकल, जो तुम्हारा फिजिकल नेचर है, तुम्हारा जो पर्सनालिटी है उस हमारी चाहे किसी ऑब्जेक्ट की, उस पे कोई चेंजेस आ गया। जैसे आप देखते होंगे कि आप अगर अपने जो है बॉडी पर अगर जो है कोई लोशन या क्रीम नहीं लगाते तो गर्मी में जाते तो वो सूख जाती है और उस पर अगर हम लोग अगर नेल्स से अगर ऐसे स्क्रेच कर दे तो स्क्रेच दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज, केमिकल का मतलब कि केमिस्ट्री का मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस कुछ हो रहे हैं जिसके कारण चेंज आ रहा है। फिजिकल का मतलब होता है, फिजिकल चेंजेस का मतलब टेम्परेचर में चेंज होना, फिजिकल आपका जो है जो अपीयरेंस होता है उसमें कुछ बदलाव आना, ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं।
केमिकल चेंजेस का मतलब कि कलर बदल गया, स्टेट बदल गई, कलर ही बदल गया, पीला था लाल हो गया, स्टेट बदल गई, सॉलिड था लिक्विड बन गया, गैस निकल गई, सब केमिकल चेंजेस है। तो अब आपको हम लोगों को जो इस चैप्टर में स्टडी करना है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करनी है। और मैं ये एग्जांपल्स जो है, ये एग्जांपल जो है मैं इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर के दिया कि आप समझ जाए कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो अभी हम लोग एकदम स्लाइटली एग्जांपल से चलेंगे। अब मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि चेंजेस यानी जिसको हम लोग कहते हैं बदलाव, चेंजेस यानी बदलाव इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। चेंजेस यानी बदलाव ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं। लेकिन आपको जानकारी दोनों की रहनी चाहिए कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दोनों क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस जो आपको बाहरी, फिजिकल चेंजेस का मतलब कि जो बाहरी तौर पर दिखाई देते हैं, जो बाहरी तौर पर दिखाई देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बदलना, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का बदलना, टेम्परेचर प्रेशर एटसेट्रा, किसी भी चेंज इन फिजिकल फिजिकल अपीयरेंस का बदलना, अपीयरेंस, टेम्परेचर का बदलना, प्रेशर का बदलना, फिजिकल अपीयरेंस का बदलना, ये सब फिजिकल चेंजेस है। अगर हम कहते हैं चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल गई, चेंज इन नेचर, नेचर बदल गया, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस निकल गई, स्टेट बदल जाना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, नेचर बदल जाना, उसकी प्रकृति बदल गई, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस निकली, चेंज इन कलर, कलर में बदलना, तो ये सब देखिए आपका क्या है, सब केमिकल आपका जो है चेंजेस है। स्टेट का बदलना, नेचर का बदलना, गैस निकलना, कलर का कलर बदल जाना, ये सब केमिकल चेंजेस होते हैं। और टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल अपीयरेंस बदलना, ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल का मतलब ऊपर से दिखाई देता हो कि उसका बीपी हाई हो गया, टेम्परेचर बदल गया, हॉट हो रहा है बहुत ज्यादा, ज्यादा हाइपर हो रहा है, ये सब फिजिकल चेंजेस है। और केमिकल चेंजेस का मतलब क्या हुआ? कलर ही बदल गया, गैस निकल रही है, स्टेट ही बदल गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड हो गया या तो लिक्विड से गैस हो गया, इसका नेचर ही एकदम बदल गया, ये सब केमिकल चेंजेस है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। हम लोग केमिकल चेंजेस की तरफ चलेंगे। अब हम लोग आते हैं केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शंस की तरफ, और इसी में केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए हम केमिकल रिएक्शन का पहले एक एग्जांपल देखते हैं। आपको बता दूं कि केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, एग्जांपल। आप एग्जांपल उठाइए, प्रैक्टिकल करिए, एग्जाम्पल उठाए, प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल करते समय हम देख लिए क्या हो रहा है। यही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री कभी भी थ्योरी टू प्रैक्टिकल नहीं चलती, प्रैक्टिकल टू थ्योरी चलेगी, तब आपको मजा आएगा केमिस्ट्री में, जबरदस्त मजा आएगा। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन में हाउ केमिकल, किस तरीके से उसमें केमिकल चेंजेस होगा। केमिकल रिएक्शन पहले देखते हैं। चलिए, मैग्नीशियम का नाम सुना है आप लोगों ने, मैग्नीशियम,
जिसको हम लोग सिंबल में एमजी कहते हैं, सुना ही होगा नाइन्थ में, हम टेक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। चलिए हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन लिया, और इस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, इट रब्ड विथ सैंड पेपर, इसको सैंड पेपर से हमने रब्ड कर दिया, मतलब इसको हमने जो है बालुई कागज से, हमने एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया उसको सैंड पेपर से रब कर दिया, और रब करने का मतलब उसको रगड़ दिया। उसके बाद क्या किया हमने, होल्ड इट इन अ टॉन्ग टोंग समझते हैं, चिमटा, मतलब उसको जो है हमने एक चिमटे में, चिमटे से, चिमटा से पकड़ा उसको, चिमटे से पकड़ा और उसको क्या किया, एंड बर्न इट, इसको हम जला दिए। चलिए फिर से देखते हैं, हमने मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम यानी एमजी का एक टुकड़ा लिया, उसको सैंड पेपर से रब कर दिया और उसको चिमटे में पकड़ा और उसको मत्ती के मत्ती जला के उसमें उसको जला दिया, बंद कर दिया। अब एक छोटा सा मैं इसको, उसका एक छोटा सा हल्का सा फिगर भी बना देता हूं कि ये मान लो हमारी कैंडल है, सपोज दैट ये हमारी कैंडल है, मोमबत्ती है, और यहां से एक रिबन का टुकड़ा जो है इसको मान लो इस लड़के ने क्या किया है, अपने हाथ से पकड़ लिया है, हाथ से पकड़ा या हाथ में जो उसने चिमटा रखा, ये मान लो उसका हाथ है लड़के का, चलो, और इस लड़के ने क्या किया, इसको चिमटे से पकड़ लिया है, चिमटे से पकड़ के इसको जला रहा है। ये एक लड़का है, इसने जो है चिमटे को, चिमटे से पकड़ा है इसको, इसको चिमटे से पकड़ा है, होल्ड किया है इसको चिमटे से पकड़ के जो है ये जो जला रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन को जला रहा है, वो मैग्नीशियम रिबन को जला रहा है कैंडल में। और जलने के बाद क्या हो रहा है कि इसको जलाने के बाद कैंडल को, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे कैंडल को टेढ़ा कर देते हैं, ये कैंडल है हमारी, उस कैंडल से हम उसको जो है जला रहे हैं। चलिए तो जलाने के बाद क्या हो रहा है, यहीं पे हम जो है एक वॉच ग्लास रखते हैं, वॉच ग्लास, तो देखते हैं कि यहां पर उसका एशेज जमा हो रहा है, मतलब ये जो है एशेज जो जमा हो रहा है वो पाउडर्ड मैग्नीशियम इकट्ठा हो रहा है। चलिए हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर से रगड़ा और उसको जो है टोंग से पकड़ के हमने उसको बर्न कर दिया, उसको जला दिया। तो एक छोटा सा फिगर मैंने बना दिया है कि मान लो ये एक लड़का है, इसने अपने हाथ में टोंग से जो है मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है, और ये कैंडल है, उस कैंडल को जो है स्टैंड पे लगाया गया है मान लो, और स्टैंड पे लगा के उसको जो है उससे जलाया जा रहा है। अच्छा, जलने के बाद जब उसका जो आपका जो है वो उसकी जो राख निकल रही है, उसकी जो राख निकल रही है वो वॉच ग्लास में एशेज जो निकल रही है वो पाउडर्ड मैग्नीशियम के रूप में हमको मिल रहा है। तो हमने तो मैग्नीशियम रिबन लिया था, रिबन का मतलब क्या है, रिबन का मतलब एक रबड़ टाइप का, उसको हमने जो है सैंड पेपर से रब किया, उसकी सफाई की, उसको आग, उसको बर्न किया, यानी उसको जो है फायर के कांटेक्ट में लेके आए, जला, और जलने के बाद वो जो रिबन था वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल रहा है, यहां पे देखो स्टेट बदल रहा है, स्टेट, और उसमें कुछ गैस भी निकल रही होगी, धुआं निकल रहा होगा, गैस,
और यहां पर जो गैस निकलती है वो मैं आपको पहले बता दूं, व्हाइट डैजलिंग मतलब कि सफेद रंग का धुआं निकलता है। अब ये सफेद रंग का धुआं निकला, इसमें सफेद रंग का धुआं निकला, स्टेट भी बदल गया, स्टेट भी देख रहा है चेंजेस हो रहा है, उसका कलर भी बदल रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बात समझो, केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज आ गया। कैसे केमिकल चेंज आ गया? कलर भी बदला, गैस भी निकली, नेचर बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है, तो इसका मतलब ये सब क्या हो रहा है? ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, केमिकल चेंजेस जिसमें होते हैं वही केमिकल रिएक्शंस होता है। अब चलिए, हमने मैग्नीशियम लिया Mg, हमने मैग्नीशियम लिया, देखिए मैग्नीशियम लिया और उसको जोड़ दिया किसके साथ, फायर के साथ या आग के साथ, या ये कहते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया गया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया गया, यानी मैग्नीशियम कांटेक्ट में आया है ऑक्सीजन के, क्योंकि ये जो लौ निकल रही है, जो ये आग निकल रही है वो ऑक्सीजन। तो हमारा जो है मैग्नीशियम, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो ऐसे जो पाउडर्ड मैग्नीशियम आता है स्टूडेंट, इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो आगे चल के बना गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो केमिकल रिएक्शन लिखी है, केमिकल रिएक्शन जो लिखी है उसमें जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ये दोनों, उसको हमने एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, बीच में एरो लगाया है, और इधर हमने जो जो हमको मिला, यानी हमको जो रिजल्ट मिला वो हमने एरो के इधर लिखा। अब जो 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 ऑब्जेक्ट या जो जो चीजें केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती हैं, इसका मतलब कि दोज ऑब्जेक्ट्स और दोज मटेरियल्स विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो रिजल्ट आया, रिजल्ट यानी जो ये ऐसे जो ये आपका जो है राख मिली है, पाउडर्ड जो मैग्नीशियम मिला है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं, जो हमको मिला है उसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, बीच में एरो लगाया जाता है, और यही है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स हो, रिएक्टेंट्स हमेशा प्लस साइन के साथ लिखे जाए बीच में, प्रोडक्ट्स हो, प्रोडक्ट्स भी अगर ज्यादा होंगे तो वो भी प्लस साइन से, बीच में एरो लगाओ, यही केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, अपने से आप दे सकते हैं, When two or more substances take part in the chemical reactions, they are said to be reactants. After reacting, they produce something. Whatever they produce is called products. And there is arrow between them. This whole phenomena is said to be chemical reactions. तो chemical reactions समझ में आ गया होगा? और आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर पूछ ले कि डिफाइन रिएक्टेंट्स, तो आप क्या कहेंगे, दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर सेड टू बी रिएक्टेंट्स, दीज आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। प्रोडक्ट्स आफ्टर कंबाइनिंग रिएक्टेंट्स टू ईच अदर, व्हाटएवर रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, इट इज रिटन ऑन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, एरो के राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा? देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमने आपको केमिकल रिएक्शन बता दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं।
तो अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसको हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। चलिए, मैग्नीशियम का सिंबल हमारा Mg है, ऑक्सीजन के लिए हम लोग O2 यूज करेंगे और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब MgO मिला। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आप क्या करिएगा नोट्स में नोट्स लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो आप लोगों को काफी चीजें जो है मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा। रिएक्शन आपको केमिकल रिएक्शन बनाने में स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत होती है और क्या बनता है ये समझ में नहीं आता है, तो मैं सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। देखिए जितने भी आपके जो है सब्सटेंस है, जैसे आपका जो है पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सबके सिंबल आपको 9th में पढ़ाए गए होंगे, वो याद कर लीजिएगा। एलिमेंट्स के सिंबल, जैसे आपको हाइड्रोजन है, आपको पता होगा हाइड्रोजन को हम लोग H है, H से हाइड्रोजन होता है और ये पॉजिटिव रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल्स है, इसको H प्लस, इस पे एक आपको पता होगा कैटायन एनायन पता होगा, ये कैटायंस एनायन सब पता होगा आपको, कैटायंस होते हैं आपके H प्लस, कैल्शियम को Ca प्लस कहते हैं, सोडियम का सिंबल Na प्लस होता है, मैग्नीशियम को हम लोग Mg डबल प्लस कहेंगे, तो एटसेट्रा इस तरीके से ये सारे जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट सब याद कर लेंगे। और उधर से जितने भी आपके नेगेटिव रेडिकल्स हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, वैसे नेगेटिव रेडिकल्स भी होते हैं, क्लोरीन Cl-, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड जानते होंगे आप, F-, ऑक्सीजन O-, तो ये सब आपको जो है इसको आपको तैयार रखना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल। कुछ एग्जांपल्स मैं इसका भी दे रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन O-, क्लोराइड, Cl-, फ्लोराइड F-, सल्फेट SO4-, अब देखिए ये कैसे तैयार होता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम का डबल प्लस Mg डबल प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन के डबल माइनस, 2 प्लस 2 माइनस आपका कैंसिल हो गया, ये दोनों जुड़ गया तो MgO बन गया। अदरवाइज अगर ये दोनों डिफरेंट होता है तो आप लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जानते होंगे, तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपके दोनों क्या हो गए, ये रिएक्टेंट्स हो गए, रिएक्टेंट्स, ये क्या हो गया प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, ओवरऑल ये क्या कहला रही है, पूरी ये क्या कहला रही है, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन कहला रही है, उसको इक्वेशन के रूप में, देखिए इक्वेशन क्यों कहा गया, इक्वेशन के रूप में लिखा गया, इक्वेशन लिखते समय LHS पे रिएक्टेंट को प्लस से दिखाते हैं, प्रोडक्ट भी अगर ज्यादा हो तो भी प्लस से दिखाते हैं, बीच में एरो का सिंबल होता है, इक्वेशन हो गया, तो ये हमारा आपके सामने लिख दिया। लेकिन अभी ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अभी मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के यहां पे 2 एटम है, मैग्नीशियम का 1 है, या मैग्नीशियम का 1 है तब तो सही है। बैलेंसिंग का तरीका होता है कि आपके जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट के जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स वो बराबर होने चाहिए, मैग्नीशियम का 1 एटम, मैग्नीशियम का 1 एटम एकदम सही है, लेकिन ऑक्सीजन के यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए
फिलहाल तो मैं आप लोगों को बैलेंस कर ही दे रहा हूं कि Mg plus O2 gives MgO है। अगर हम इसमें अगर हमको यहां पर जो है ये ऑक्सीजन के दो एटम है, यहां पे दो एटम करना है तो यहां पे टू बाहर लेना पड़ेगा, यहां पे आप नहीं लगा सकते। टू अगर आपने कर दिया तो देखिए मैग्नीशियम के भी दो हो गए, ऑक्सीजन के भी दो हो गए। जैसे आप ब्रैकेट में मैथ्स मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन का दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, लेकिन मैग्नीशियम का यहाँ पे एक है, यहाँ टू कर दिए तो देखिए अब आपका ये बैलेंस हो गया। ये बैलेंसिंग है, लेकिन ये बैलेंसिंग अभी आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो देखिए स्टार्ट कर दिया है अभी हमने, कैसा आप लोगों को लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का था, अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग वेट करिएगा और इसको बहुत तेजी से खत्म करेंगे, बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री में। देखिएगा हमारे साथ एग्जाम्पल्स लेते हुए चलेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेते हुए हम लोग थ्योरी को निकाल देंगे। थैंक यू सो मच, वेट फॉर द नेक्स्ट।